हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ईएमआरएस एग्जाम का जो आपका एग्जाम होने वाला है, ईएमआरएस का जेएसए काउंटेड रोस्टर पार्टर लेवल 10 के लिए, इसके लिए हम केवीएस प्रीवियस ईयर का पेपर देखने वाले हैं, जो कि अभी लेटेस्ट 2023 में मार्च के महीने में कम्प्लीट कराया गया था, जिसे कि सीबीएसई के द्वारा कम्प्लीट कराया गया था। और जो आपका ईएमआरएस का एग्जाम होने वाला है, ये भी आपका सीबीएसई ही कंडक्ट करा रही है। तो इसका जो केवीएस का पेपर है, उसी प्रकार से आपको ई एम आर एस का जो पेपर है पैटर्न मिलने वाला है। तो इसका हम फर्स्ट मैच का फर्स्ट शिफ्ट का जी के जी एस का पेपर देखने वाले हैं, और आज से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन बन सकते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया वो कहाँ से उठा के बता हुआ, और क्या लेवल रहता है, और हमारे अभी कितने सही हो रहे हैं, बाद में हमारे कितने सही हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। और इसके अलावा इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर हमारी क्लासेस चल रही हैं और जो मॉक है वो यहाँ पर चल रहा है इस वाले चैनल पर, तो दोनों को सब्सक्राइब जाके कर लीजिएगा। इस वाले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, कोई भी अपडेट होती है यहाँ मिलती है। ये हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पर मैंने इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, आपको अपडेट हुई प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसमें मॉक टेस्ट वगैरह दिए होंगे। ठीक है, तो उसको जाके आप देख लेना। कंप्यूटर का करा चुका हूँ, पीडीएफ आपको यहाँ मिलती है द एग्जाम पर जीके के टेलीग्राम चैनल पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये इतनी सारी वीडियोज़ हम बना चुके हैं, इसके अलावा बहुत सारी बना दी है, तो मैं कुछ दिखाने के लिए आपको लगा दिए। ठीक है, ये हमारे इसके लिए सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए देख लेना। हिंदी का भी पेपर मैं करा चुका हूँ, मैथ्स का भी हमारे दो पेपर हुए, जीके जीएस के और प्रीवियस ईयर के तीन शिफ्ट के एनबीएस के पेपर करा चुका हूँ। इसी तरीके से आपका पेपर आने वाला है ई एम आर एस का, क्योंकि एन बी एस, के बी एस और आपका ई एम आर एस तीनों एक ही संस्था है, क्योंकि स्कूल से रिलेटेड है और तीनों का पेपर एक ही जैसा होता है। ये आपको द एग्जाम पर जी के पर मिल जाएगा। कंप्यूटर क्लास की 5 5 B आ चुकी है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से हम चलेंगे फर्स्ट पेज पर। पहले आपको दिखा देता हूँ, तो ये आपका पेपर है, के बी एस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, कैंडिडेट की रिस्पॉन्स सीट है ये। ठीक है, यहाँ पर हमने नाम हाइड कर दिया, रोल नंबर, के बी एस जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट फर्स्ट मार्च शिफ्ट फर्स्ट का ये पेपर है, जो कि सुबह 10 बजे हुआ था। ये सारी चीज़ें हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना पीडीएफ वगैरह के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं जीके वाले सेक्शन पर और डायरेक्ट जीके को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हिंदी वगैरह कंप्यूटर हम करा चुके हैं, रीजनिंग भी आपको मैं सॉल्व करवा ही दूंगा। ठीक है, आपकी बहुत डिमांड आ रही है तो मैं करवाने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो यहाँ से 41 से हमारे 20 क्वेश्चन पूछे गए थे के बी एस जी एस में प्रत्येक शिफ्ट में, तो वो हम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ लीजिएगा, मैं हिंदी में पढ़ के सुना रहा हूँ, कि भारत के संविधान में संशोधन करके भारत सरकार को वस्तु और सेवा कर GST लगाने और प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया, उस संशोधन की पहचान करें। बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, बट उसने घुमा फिरा के इतना क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन वही होते हैं, लैंग्वेज चेंज कर दिया थे। जीएसटी के लिए जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, यानी कि संविधान संशोधन, वो था आपका 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि इनमें से कौन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो ये आपका जो ST आयोग है ये है, सॉरी SC आयोग ये संवैधानिक, ST आयोग ये संवैधानिक है, OBC आयोग ये भी आपका संवैधानिक है, बट जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ये संविधान नहीं है। ठीक है, ये क्या है, संविधान नहीं है, इसे बाद में बनाया गया था एक एक्ट लाकर, राष्ट्रीय महिला एक्ट लाकर। ठीक है, चलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 25 जून 1975 को घोषित आपातकाल के दौरान की गई कथित ज्यादतियों और कदाचारों की जांच के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस जांच आयोग की नियुक्ति की थी। तो दोस्तों, 1975 में जो आपातकाल घोषित किया गया था उसमें कुछ जबरदस्ती चीज़ें लगाई गई थी, तो उसके लिए भारत सरकार ने कमेटी बनाई थी जिसका नाम था नानावटी जांच आयोग। ठीक है, न्यायमूर्ति नानावटी जांच आयोग। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आया था, इंग्लिश वाले यहाँ से पढ़ लीजिएगा, है ना, यहाँ से मिलान करना था लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, यहाँ पर उसके लीडर दिए थे, यहाँ पर उसकी पार्टी दे रखी थी। ठीक है, तो नेताओं के नाम और किस राजनीतिक दल से वो संबंधित है ये आपको देखना था, बट इसमें से आपको बताना था कि कौन सा जोड़ी सही नहीं है। ध्यान रखना, कौन
क्वेश्चन डिटेल में पढ़ना है, आप लगाओगे और चार नंदे वो ये तो इससे रिलेटेड लगा दो, सही आंसर भाई देख लो पूछ क्या रहा, नहीं पूछ रहा है तो जब पेपर देने जाए तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो पहला सही है कि आचार्य नरेंद्र देव प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी से थे, एन ए के गोपालन भारतीय कम्युनिस्ट सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएस से रिलेटेड थे, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी से थे, बट जो रफ़ी अहमद किदवई हैं ये मुस्लिम लीग पार्टी से नहीं थे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इस आंसर पर मत जाना, ये उस बच्चे ने आंसर लगाया है जिसकी यह कॉपी है, मैं जो आपको आंसर बता रहा हूँ केवीएस की जो आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हु फाउंडेड द न्यूज़पेपर संबाद कौमुदी, संबाद कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना किसने की। मोस्ट फेमस है दोस्तों राजा राम मोहन राय, ठीक है, किसने की थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। चलिए अगला काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब देखिए पेपर क्या था, पेपर इजी था बट इसने क्या करा है ना, इजी मतलब इन द सेंस कि लगभग आप कह सकते हैं कि इस पेपर में इजीली आप 14 से लेकर 16 क्वेश्चन बना सकते हैं, बट इस क्वेश्चन इसने क्या किया है, केवीएस के द्वारा जो पेपर लिया गया ना उसने क्या करने की कोशिश की पता है, उसने एक ही क्वेश्चन में कम से कम डिटेल पूछी आपसे 5-6 क्वेश्चन की, कितने की, 5 से 6 क्वेश्चन की डिटेल एक ही क्वेश्चन पूछे, तो ये 20 क्वेश्चन ना होते हुए अपने आप में लगभग 40 से 50 या 100 क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं बन सकते हैं, ठीक है। तो इसने क्या करा है, यही चीज़ करी है इसने। अब देखिए मैंने ऊपर बताया, एक तो वो जोड़ी मिलान वाला बता दिया इसने ना, दूसरा क्वेश्चन इसने ये पूछा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में ऐतिहासिक घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित किया गया, यानी कि इतिहास में कौन सी घटना पहले घटित हुई, कौन सी दूसरे नंबर पर, कौन सी तीसरे नंबर पर, जिसमें सबसे पहले घटित घटना को क्रम में सबसे पहले रखा गया, पहले जो पहले हुई पहले रख दो, दूसरे पर हुई दूसरे पर रख दो, इस तरीके से बताना है। तो अब इसने ऑप्शन दे दिए, तो ये पूछना चाह रहा है इन सारे युद्धों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कौन सा कब हुआ, और डेट सहित आपको मालूम होना चाहिए, तब तो आप इसका आंसर लगा पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों, 46 बार, ठीक है, तो इसका दोस्तों जो आंसर है आपका 46 नंबर का वो है 2। तो चौसा की लड़ाई सबसे पहले हुई थी, ये कब हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1539 में, कब हुई थी 1539 में, कब हुई थी 1539। फिर होता है हल्दी घाटी का युद्ध, ये होता है आपका 1576 में, ठीक है, 1576 में। फिर होती है बक्सर की लड़ाई, ये होती है आपकी 1764 में, ठीक है, कब होती है 1764 में। तो ये इनका क्रम है, पहले ये हुई चौसा, फिर हल्दी घाटी, फिर बक्सर का युद्ध। तो इस तरीके से आपसे 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया, तो आई होप इससे आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि हिस्ट्री से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना। एक तो ये बैटल्स वाला तो पूछता ही पूछता है वो, ऊपर मैंने आपको कराया एक जो फेमस बुक्स वगैरह मैंने बताई थी ना, पेपर समाचार पत्र जिन्होंने जारी किए गए थे, ये जो नेता लोग थे उनके बारे में पूछा गया, यहाँ से जांच कमेटी के बारे में पूछा गया, यहाँ से जो पॉलिटी है पॉलिटी के जो अमेंडमेंट्स वगैरह हैं एक्ट्स वगैरह उसके बारे में पूछा गया, यहाँ से आपका जी देखिए पॉलिटी का फिर से एक आर्टिकल पूछ लिया गया, यानी संविधान संशोधन वगैरह मैंने आपको इम्पोर्टेंट जी के जीएस के टॉपिक बताया था उसमें बताया था, ठीक है। चलिए 47वां, फिर उसने देखिए 3 क्वेश्चन एक में डाल दिए, इसमें ही वो वही बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में ऐतिहासिक घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है, जिसमें सबसे पहले को सबसे पहले रखना है, सबसे बाद को सबसे बाद में, इसमें भी उसने 3 क्वेश्चन पूछ डाले। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर, सबसे पहले बिंदुसार का राज्य अभिषेक होता है, बिंदुसार का राज्य अभिषेक के बाद कलिंग युद्ध की शुरुआत होती है, क्योंकि बिंदुसार का बेटा था अशोक और अशोक ने करा था कलिंग का युद्ध, उसके बाद शुंगों का उदय होता है, ये मौर्य वंश से था, ये भी मौर्य वंश से था, और मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक का बेटा था जिसका नाम था बृहद्रथ, कौन था अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, कौन था, बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ था, ठीक है, और इसकी हत्या करता है, शुंगों का उदय हुआ था पुष्यमित्र शुंग, है ना, पुष्यमित्र शुंग जो था शुंग वंश का संस्थापक था, तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करता है और शुंग वंश का उदय हो जाता है। तो पहला आप आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि बिंदुसार का राज्य अभिषेक, कलिंग युद्ध की शुरुआत और शुंगों का उदय। चलिए अब मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा, मौर्य वंश पे ले चलता हूँ मैं आपको ऊपर से, ठीक है, डिटेल थोड़ी बता देता हूँ आपको, चलिए यहाँ से इसको बड़ा कर लेते हैं अपन। तो ये है आपका मौर्य साम्राज्य, ठीक है, यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य में चार आपको देखने को मिलेंगे मेन राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका पुत्र बिंदुसार, उस बिंदुसार का पुत्र अशोक, अशोक के बाद बृहद्रथ। यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिटेल है, इसने नंद वंश के जो शासक थे घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की 322 ईस्वी में, ठीक
इसके बाद इसका जो पुत्र आता है बिंदु सर आता है, जो कि आपका 298 से 273 बीस रहता है। पहले जो आपका क्रम चलता था वो उल्टा चलता था, बीसी है ना, एडी वाले में सही चलता है, बीसी वाले में उल्टा चलता था, क्योंकि 298 से 273 यानी घटते क्रम में चलता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो बिंदु सर कब था, ये 298 से 273 तक था, है ना। और बिंदु सर का फिर पुत्र आ जाता है, तो बिंदु सर का पुत्र कौन होता है, अशोक होता है। फिर अशोक के बारे में, अशोक कब से 273 से 232, और इसी दौरान 273 से बैक जाएंगे तो 261 पड़ेगा। बिंदु सर कब तक था, 273 तक। फिर इसके बाद अशोक आता है, अशोक 261 में क्या करता है, कलिंग का युद्ध लड़ता है। ये देखिए, ये है कलिंग का युद्ध, कब लड़ा गया, 261 BC में, कब लड़ा गया, अशोक के 13वें शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। कलिंग जो उड़ीसा था उसका दक्षिणी भाग था, ठीक है, बेसिकली उड़ीसा को ही कलिंग हम बोलते हैं। यहाँ पे इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, ये बौद्ध धर्म जो है ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो ये होता है, फिर हम शुंग वंश पर जाएंगे। तो देखिए अंतिम शासक कौन था, तो ये था बृहद्रथ, किसका, ठीक है, और इसको सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मार दिया जाता है, और मगध वंश में शुंग वंश का प्रारंभ हो जाता है। तो ये थी इसकी डिटेल, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन पर दोबारा चलते हैं, ठीक है। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। अब देखिए यहाँ से इसने फिर दो क्वेश्चन पूछ लिए, एक ही क्वेश्चन में दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछे जा रहा हो। ये लेवल सेट किया था KBS के द्वारा, CBSE के द्वारा, तो आपको भी तैयार रहना है कि इस तरीके की GK हमारे एग्जाम में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में बिल्कुल UPSC लेवल, MP मतलब स्टेट PCS है, UPSC लेवल का एग्जाम आप इसे कह सकते हैं, इतनी खतरनाक डिटेल। देखिए ऑप्शन भी कैसे सेट कर दिए, कौन सा सही है, एक दो कूट का आंसर करो, ए सही है, बी सही है, ए भी सही है, ए भी में से कोई नहीं सही है, देख सकते हो आप, लेवल दिख रहा हुआ। तो इस तरीके के लेवल के लिए आप बिल्कुल जो है आपके पेपर्स के लिए तैयार रहे, ठीक है। चलिए, तो है कुछ नहीं, सिंपल पेपर है, बट सेट कर दिया तो बच्चों को गया डर लगता है, फिर माइंड सेट उसी हिसाब से बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, भारत में मैंग्रोव वन दुनिया के मैंग्रोव वन का लगभग 20% हिस्सा है। गलत बात, भारत में मैंग्रोव वन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है। बिल्कुल सही बात, तो केवल बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला फिर से देखिए, इन्होंने उसी तरीके से पूछा कि कौन सा सही नहीं है, क्या पूछा है, सही नहीं है, ये आपसे इसने क्वेश्चन पूछ लिया। इंग्लिश वाले इसको देख सकते हैं, आर नॉट करेक्ट, यानी गलत आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है, काली मिट्टी दक्कन के पठार में अधिकांश भाग में फैली हुई, सत्य बात है, काली मिट्टी चूने लोहे से भरपूर होती है, लेकिन इसमें मैग्नीशियम कम होती है, तो ये गलत बात है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें हमें बताना था सही नहीं है, तो आंसर सही नहीं कौन सा, बी, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का, ये बहुत डाउट करेंगे सही है और सही नहीं है, तो क्वेश्चन पढ़ते हुए सावधानी बरतिएगा। अगला है, इलेक्ट्रोरल वर्ड इलेक्ट्रोल इलेक्ट्रो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारत में एक पंजीकृत राजनीतिक दल को दान तभी दिया जा सकता है जब उक्त दल ने पिछले लोकसभा या किसी विधानसभा के चुनाव में डाले गए कुल मत का एक न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त किया हो। निम्न में से वह न्यूनतम प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों हमारी जो पार्टी है इसको गुप्तदान में चंदा दिया जाता है, ठीक है, जिससे ये अपना जो है पार्टी जो है अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर सके। तो बट इसको जो दान मिलता है ना, वो तभी मिलता है जब इसने इससे पहले जो कोई चुनाव लड़ा हो उसमें कुछ प्रतिशत वोट के हासिल किए हो, ठीक है। तो कितना मिनिमम कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए मिनिमम 1%, कितना, 1%, तो ये 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, NBS के पेपर में करा रहा था तब शायद मैंने आपको बताया था। तो कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को। एक्ट कब आता है, देखिए स्थापना अलग चीज है, एक्ट पूछेगा, तो एक्ट आता है 1934, ठीक है, ठीक है ये। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की एक बुक बुक थी, इंडियन रुपीज़ प्रॉब्लम, ठीक है, इंडियन रुपीज़ प्रॉब्लम करके एक बुक आई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, उसके आधार पर इस बैंक की आधारशिला रखी गई थी। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत में पक्षी विज्ञान को लोकप्रिय बनाया। तो दोस्तों पक्षी विज्ञान, तो आपका जो पक्षी राज, आपने वो पिक्चर देखी थी रोबोट 2.0, जिसमें जो पक्षी राज था, है ना, जो पक्षी राज था ना, वो था सलीम अली, वो सलीम अली का किरदार निभाया था उसने, वर्ड मैन का, जो आपने वो देखा था ना अक्षय कुमार की रोबोट मूवी जिसमें वो दिखाता है आपको, तो वो कौन था, वो था आपका वर्ड मैन। तो भारत में सलीम अली को वर्ड मैन के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने ही पक्षी विज्ञान को क्या बनाया है, लोकप्रिय बनाया है।
चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 53 नंबर का, निम्न में से कौन सा हर्मिट के बारे में सही विवरण है? हर्मिट क्या है ये पूछा गया। एक स्पाईवेयर है, टैबलेट का ब्रांड है, डेटा सुरक्षा सॉफ्टवेयर का नाम है, या एक एंटीवायरस का नाम है। तो यह क्या है, एक स्पाईवेयर यानी जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है हर्मिट। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन भी जीके में उठा कर पटक देते हैं, देख रहे हो, है ना। यहाँ से कोई फेमस पर्सनैलिटी उसके बारे में पूछ लिया। देखिए गेम्स और एक करंट, ये उस समय आयोजन हुआ था 36वें खेलों का आयोजन, अभी रिसेंटली 2023 में। तो इसने पूछा है गेम्स में, करंट में भी गेम्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला भी देखिए गेम्स से रिलेटेड है, तो गेम करंट में भी गेम्स वाले ज़्यादा पढ़ के जाइएगा आप। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था? मैंने आपको NBS के भी 3 पेपर सॉल्व कराए थे, ऑल शिफ्ट के 75 क्वेश्चन, जिसमें आपको दिखाया था कि भाई एक एक शिफ्ट में चार चार पाँच पाँच स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे गए, वो भी करंट अफेयर से। तो वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, स्पोर्ट्स का करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाए। स्पीडी मैंने बुक बताई थी, ईयरली आती है, ले लेना। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का, 36th नेशनल गेम्स का जो आयोजन है ये गुजरात में किया गया था। चलिए अगला है, वर्ष 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें प्रदान किया गया? तो वो है शरत कमल अंचत, चौथे नंबर का आंसर सही हो जाएगा। चलिए वर्ष 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये थे आपके, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 56 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये थे आपके दामोदर मुंजा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, ठीक है, आपके नोबेल पुरस्कार, फीफा, इसके अलावा आपके जितने भी फिल्म है, ब्रिटिश फिल्म एकेडमी, बाफ्टा अवार्ड, है ना, ये सारे आपको एमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, है ना। तो ये आपको याद होने चाहिए, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है डेफिनेटली। अगला है क्लाइमेट, यहाँ से पढ़िए, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है 2030 तक जलवायु तटस्थ दुनिया का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह हितधारकों को प्रोत्साहित करेगा। दूसरा है अपने प्रतियोगियों के लिए यह एक प्रमाणन योजना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए और बी में से कोई नहीं, दोनों ही क्या है, गलत है। चलिए अगला देख लेते हैं। जॉर्जिया जॉर्जिया मेलोनी हैज अपॉइंटेड एज इटलीज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। तो जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। निम्नलिखित में से कौन सा उसके वैचारिक मुकाब के बारे में सबसे उपयुक्त आइडियोलॉजिकल लर्निंग क्या है उनकी? तो ये है वामपंथी। कैसी है, वामपंथी यानी कि लेफ्ट विंग, ठीक है, लेफ्ट विंग वामपंथी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा थक चुका हूँ, आपको मैंने बताया था जीएम का सेक्शन है, तो आवाज़ मेरी आपको थोड़ी बुझी बुझी सी लग रही होगी। और अभी मैंने तो आपके लिए लाइव स्ट्रीम भी करने की कोशिश की थी यूट्यूब पर, बट दोस्तों कनेक्शन का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है सर्वर का, तो वो चल नहीं पा रही, इसलिए मैं ये स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ, ठीक है। हालत बहुत ख़राब है, फिर भी मुझे आपको कंटेंट देना है, तो इसलिए मैं आपके लिए ये मेहनत कर रहा हूँ, है ना। आपको मतलब आइडिया लग जाए कि किस तरीके से पेपर आता, तो आप जो है उस अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी जो है वो कर सकें। चलिए, भारत ने अप्रैल 2022 में एक विकसित देश के साथ ECTA आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए, उस देश को पहचान करें। इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ECTA का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये पूछा जाता है अभी लेटेस्ट किसके साथ किया था, ठीक है। तो अप्रैल 2022 में किसके साथ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कर लेते हैं, ठीक है। उल्फ सोल जर्मनी के नए चांसलर नियुक्त किए गए। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी देश है उसका नया प्रधानमंत्री, नया राष्ट्रपति, उसकी करेंसी क्या, मुद्रा क्या, ये आपको याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनता है। तो ये किस पार्टी से संबंधित है, उसकी पार्टी भी याद होनी चाहिए भाई साहब, अगर वो लेटेस्ट बनाए तो, है ना। तो ये है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। इसके बाद ये आपका रीजनिंग का पेपर है, ठीक है, रीजनिंग का पेपर भी मैं आपको जल्दी करवाने की कोशिश करूँगा। कल सैटरडे संडे है, तो कल सैटरडे संडे में आपको जहाँ तक जितनी क्लासेस हो सकेंगी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और कोशिश करूँगा कि कल मैं शायद आपको हिंदी का जो हमारा चल रहा था, ठीक है, हिंदी को सोचूंगा कि हिंदी शायद आपकी कंप्लीट करा दूं, क्योंकि हिंदी का सिलेबस कम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट आपकी हिंदी जो है ख़त्म करवा दूं 2 दिन के अंदर। जितना भी टॉपिक है मेरे अपने नोट्स उठा के, है ना, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, बाद में आपको मॉक के थ्रू तैयारी करवाते रहेंगे। बाकी कंप्यूटर का तो आपको मिलते रहेगा रेगुलर बेसिस पर, ठीक है, और मैथ्स का भी मिलता रहेगा, और जीके जीएस का भी मैं ये बना दूंगा, जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा वोकेबलरी भी है, वो भी मैं आपको जो है वीडियोस के थ्रू करवाता रहूँगा।
और पूरी कोशिश है दोस्तों, बिल्कुल हालत नहीं है मेरी अभी भी, मतलब आपको आवाज़ से लग रहा होगा, फिर भी दोस्तों बस मतलब सोने को मन कर रहा है बस अब तो। दोस्तों इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार, है ना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। अभी शायद आपको ये वीडियो मिलेगा, अभी 11 सप्ताह हो रहा है तो लगभग 12, 12:15, 12:30 तक आपको ये वीडियो मिल रहा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।